हेलो एवरीवन, बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 5 नवंबर से बिल्कुल ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 69,000 से भी अधिक जो है पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कंप्लीट जो है वो जारी हो चुका है। काफी जो है वो बदलाव भी हुए हैं। अगर हम देखें कैटेगरी वाइज तो 6 to 8 क्लास के लिए मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए 31,982 पदों पर भर्ती आई है। वहीं 9th और 10th क्लास के लिए 18,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती आई है और 11th 12th के लिए 18,577 लगभग जो है यहाँ पर वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। यानी कुल मिलाकर जो है 69,000 से भी जो है यहाँ पर, केवल मैंने 69,000 लिखा है, बाकी 69,706 पदों पर जो है वो भर्ती देखने को यहाँ पर बिल्कुल प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और पूरे देश के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड किया है या फिर जिन्होंने डीलेड किया है, बीटीसी किया है, एसटीसी किया है, ठीक है, सीटेट क्लियर है, सभी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से वैकेंसी है, 69,706 पद हैं और इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें 6 to 8 क्लास जिसे मध्य विद्यालय कहा गया है, तो इसमें कुल जो पदों की संख्या है 31,982 है। इसमें भी महिलाओं के लिए जो है सीटें रिजर्व है, आधी सीटें बिल्कुल रिजर्व है। यहाँ आप देख सकते हैं 15,842 जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रखी गई है। किसी भी जो है स्टेट की महिला है या फिर बिहार राज्य की अगर जनरल कैटेगरी की महिला है तो वहां पर आप देख सकते हैं सभी विषयों की 6,544 यहाँ पर संख्या है पदों की, ठीक है। और विषय है 6 to 8 के लिए गणित विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है। उसके बाद है यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर वेतनमान जो है, तो मूल वेतन जो होगा यानी कि 2 साल तक जो आप लोगों को परीक्षा जो अवधि होती है, प्रोविजनल पीरियड जो होता है उसमें रखा जाएगा, तो उसमें जो है 28,000 जो आप लोगों को सैलरी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार जो है अनुमान्य डिसाइड हुआ है। उसके बाद जो है माध्यमिक विद्यालय 9th 10th क्लास को कहा गया है और इसमें 18,877 पद हैं। सब्जेक्ट जो है हिंदी है, अंग्रेजी है और उसके बाद विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, ये सभी जो हैं पद हैं। और महिलाओं के लिए मैंने आपको बता दिया जितनी भी जो है यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय है चाहे मध्य विद्यालय है, जितने भी कुल पद हैं तो उनकी आधी सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। जैसे 18,877 पद हैं 9th और 10th के लिए, तो यहाँ पर अगर कुल पदों की संख्या देखें तो 6,399 जो है महिलाओं के लिए पहले से ही सीट रिजर्व है। यहाँ पर जो है 9th 10th के अगर आप शिक्षक बनते हैं मूल वेतन आपका 31,000 रहेगा और आपको पता है 2 साल के बाद ये बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम विशेष विद्यालय अध्यापकों की बात करें तो 270 यहाँ पर पद हैं। नेक्स्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय 11th 12th क्लास के लिए 18,577 पद हैं और इसमें सब्जेक्ट है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप, अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मगही, उसके बाद है मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, ये सभी जो है वो भाषाएं हैं, ठीक है। तो आप पदों की जो संख्या है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 18,577 जो है वो पदों की संख्या है और जिसमें महिलाओं की जो सीट है वो 6,329 सीट रिजर्व है। यहाँ पर 11th 12th की क्लास के लिए जो है यहाँ मूल वेतन जो है बेसिक पे जो है 32,000 है, ठीक है। तो 32,000 जो है बिल्कुल 2 साल तक तो 32,000, उसके बाद आपकी जो है सैलरी काफी बढ़ जाएगी। अभी जो है यहाँ पर मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए CTET पेपर 2 या BTET पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए यदि आप 6 to 8 के अध्यापक बनना चाहते हैं। नेक्स्ट माध्यमिक विद्यालय 9 से 10th के लिए यहां पर कहा गया है कि आपका पास जो है वो एसटेट यानी बिहार का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए एसटेट पेपर 2, बिहार का जो एसटेट पेपर 2 है वह आपके उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन SST और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है स्नातक स्तर पर यानी आपने बीएड किया है, आपने BSTC किया है, आपने BTC किया है, डीलेड किया है, डीएड किया है और उसके साथ अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है, ठीक है, और आपके पास ये सब्जेक्ट है जैसे कि सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए
स्नातक स्तर पर आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई दो विषय पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान इनमें से कोई दो विषय पढ़े होने चाहिए। उसके बाद 9th से लेकर 10th क्लास के लिए यहां पर कहा गया है गणित के स्टूडेंट्स के लिए कि गणित के साथ जो है स्नातक में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी इनमें से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। साइंस के लिए कहा गया है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विषय में से जो है आपने पढ़ाई की हो। उसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर 9th और 10th क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पर सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है कि आपके पास दो विषय होने चाहिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से, ठीक है। और जिसमें से इतिहास या भूगोल विषय जो है इसमें से एक अनिवार्य होगा। भाषा के जो स्टूडेंट हैं, माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या फिर अनुसांगिक विषय के रूप में जो है आपने पढ़ा हो। 11th 12th के लिए जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में 50% मार्क्स के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, बॉटनी है, जूलॉजी, उसके बाद मैथ्स है। तो आपने मास्टर डिग्री की है और बीएड किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। 11th 12th में कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए काफी ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वाले जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लिखा है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए बीएड जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की जो है डेट यहाँ पर दी हुई है, तो स्टार्ट जो है आवेदन जो स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन 10 नवंबर 2023 स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम डेट जो है वो 25 नवंबर 2023 रहेगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जो है जो फीस है वो भर देनी है 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। अगर आप देरी कर देते हैं तो आप लोगों को विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि यहाँ रखी गई है 17 नवंबर, यानी आप लोगों को देरी से जो है आपने भुगतान किया है तो उसका शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो आप 14 नवंबर से पहले जो है सारी प्रक्रिया जो है वो कर लें। तो यहाँ पर देखें शुल्क यहाँ लिखा हुआ है, और अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये अलग से जो है आप लोगों को भुगतान करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि एक से अधिक पदों के लिए जो है फॉर्म भरना चाहता है तो ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये जो है फीस है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये है, और जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वह किसी भी वर्ग से बिलोंग करती हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी, किसी भी वर्ग से बिलोंग करती हैं, 200 रुपये शुल्क आपका लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% या इससे अधिक हैं 200 रुपये लगेंगे। अन्य सभी उम्मीदवार जो रह जाते हैं उनके 750 लगेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक ही परीक्षा होगी आप लोगों की, कोई जो है साक्षात्कार या इंटरव्यू नहीं रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को वीपीएससी की जो मेन वेबसाइट है उस पर आना है, सबसे ऊपर ही आप लोगों को नजर आ जाएगा 4 नवंबर 2023 को। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट नोटिस जो है इसे आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें आपको एक ही जो है लाइन में मिल जाती है। सबसे पहले कम जो एडवर्टीजमेंट देखना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब, और ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या लिखा हुआ है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर भी जो है डेट जो है लिखी हुई है कि भुगतान करने जो फीस है भरने की जो डेट है वो 5 नवंबर से 14 नवंबर तक रहेगी। देरी अगर करते हैं तो 17 नवंबर तक आप फीस तो भर सकते हैं, बट इसका जो है आप लोगों को अलग शुल्क देना होगा देरी का। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 10 नवंबर और अंतिम डेट 25 नवंबर। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना जानकारी आयोग की जो मेन वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट का लिंक है, इस पर आप लोगों को उपलब्ध होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।